क्वेश्चन अवनीश चौधरी का ये सवाल है और ये पूछते हैं इरिडा के ऊपर, ये कब तक रिकवर होगा और अभी जानना चाहते हैं कि क्या एग्जिट करने में सही रणनीति रहेगी। आई थिंक इन्होंने 280 के लेवल्स पर लिया हुआ है इरिडा, अभी आपको कैसा लग रहा है? ओके इरिडा मेरे ख्याल से क्योंकि उन्होंने थोड़े हाई लेवल्स पे लिया है तो वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक ऊपर से करेक्ट हुआ है थोड़ा और यहाँ पे आइडियली सपोर्ट लेके वापस बाउंस हमें दिखना चाहिए। सो उस एंगल से डेफिनेटली वेट करना चाहिए रायर देन एग्जिटिंग इन लॉस। एंड अगर शॉर्ट टर्म में नहीं भी निकल पाए तो कंपनी काफी अच्छी है, पावर सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग सेक्टर है। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इनमें उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। नीचे आने पे वो इसे एवरेज आउट कर सकते हैं। सो वो एक स्ट्रैटेजी इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। लेते हैं अवनीश चौधरी का सवाल है, मैंने इरिडा 265 पर खरीदा हुआ है, बाइंग की हुई है, 1600 शेयर्स हैं, क्या राय रहेगी इरिडा पर? इरिडा अगेन द बिजनेस मॉडल जो है डेफिनेटली लुक्स एंड मोर पॉजिटिव फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बट यस डेफिनेटली द शॉर्ट टर्म जैसे कि मैंने कहा कि रन अप हैज बीन टू शार्प, 200 से 330 आई थिंक सो वेरी फास्ट, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ओवरबॉट कंडीशन की वजह से स्टॉक में करेक्शन हुआ है। डेफिनेटली 250 240 इज अ गुड लेवल टू री एंटर दिस स्टॉक फॉर टारगेट ऑफ 295 to 300, तो यस इन द नियर टर्म एक्सपेक्टिंग द